हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए आपको सुनाते हैं बरुण सोबती की कहानी। तो 21 अगस्त 1984 में एक पंजाबी सिख फैमिली में बरुण सोबती का जन्म हुआ। वैसे बरुण ने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं था और अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो 7 साल तक जिंदाल टेलीकॉम में काम करते रहे थे। बरुण उन एक्टर्स में से है जिन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पर भी काम किया है। फिर छोटे पर्दे पर उनका डेब्यू हुआ साल 2009 में। फिर 2-3 टीवी शोज में काम किया बरुण सोबती ने। और फिर बरुण की लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट, 2011 में उनको मिला लीड रोल इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल में। तो उसने प्ले किया अर्नव सिंह रायजादा का किरदार, जिसने बरुण को टीवी शो का शाहरुख खान बना दिया। बरुण की फैन फॉलोइंग इस शो से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब उन्होंने शो बंद किया तो फैंस इतने नाराज़ हो गए कि मेकर्स बरुण को रिप्लेस करने का सोच ही नहीं पाए और पूरी सीरीज ही बंद करनी पड़ी। इस शो का क्रेज़ इतना बढ़ गया था कि साल 2015 में इस प्यार को क्या नाम दूँ का वेब सीरीज शुरू किया गया, जिसका नाम था इस प्यार को क्या नाम दूँ एक जश्न। अब बात करें बड़े पर्दे की तो साल 2014 में बरुण ने डेब्यू किया मैं और मिस्टर राइट फिल्म से। फिर इसी साल में एक और फिल्म साइन की थी 17 को शादी है, पर यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। और फिर एक फिल्म आई थी तू है मेरा संडे। बरुण सोबती ने काफ़ी वेब सीरीज में भी काम किया है और शॉर्ट फिल्म में भी। और 2017 में दिखे थे एक वेब सीरीज तनहैया में, इसमें बरुण सोबती ने सुरभि ज्योति के साथ काम किया था। फिर सब फैंस खुश हो गए थे क्योंकि इस प्यार को क्या नाम दूँ का सीज़न 3 आने वाला था और सीज़न 3 को भी फैंस का बहुत प्यार मिला। साल 2012 में उन्हें मिला स्टार परिवार अवार्ड इस प्यार को क्या नाम दूँ टीवी शो के लिए। और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बरुण को। बरुण और पश्मीन कॉलेज फ्रेंड्स थे। फिर उन्होंने आगे सोच के 12 दिसंबर 2010 को शादी कर ली। और 2019 की बात करें तो हाल ही में बरुण सोबती की 22 मूवी रिलीज़ हुई थी। तो ये थी बरुण की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।